दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो साबुन जो हम हर रोज नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आखिर ये फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता होगा? दोस्तों, ये तो हमने बात की सिर्फ साबुन की, लेकिन हमारे ऐसे बहुत से डेली यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने की इच्छा हर किसी की होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजों के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप वाकई में दंग रह जाओगे। फिर चाहे वो कीटाणु मारने वाला डेटॉल साबुन हो या फिर केक को फटाफट तैयार कर देने वाली एक ऐसी मशीन जिसके काम करने का तरीका किसी को भी हैरत में डाल दे। इन सब के अलावा हमारी वीडियो में बहुत कुछ है, बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हमें मालूम है कि आज मार्केट में बहुत से अलग अलग तरह के साबुन आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके लड़कियां गोरा होने की सोचती हैं। पर जनाब, आप इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऐसे गोरा करने वाले साबुन के इस्तेमाल से स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ऊपर से उनके अंदर कीटाणु मारने की शक्तियां भी नहीं होती, यानी हर तरह से खूबसूरती बढ़ाने वाले साबुन हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए सबसे बढ़िया अपना डेटॉल साबुन है। नहीं नहीं, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों, डेटॉल एक तरह का एंटीसेप्टिक साबुन है जो काफी फायदेमंद होता है, और दोस्तों इनको बेचा भी खूब जाता है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले साबुन तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, जब साबुन के ब्रिक्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसे 6-6 सेट के अंदर प्रोसेस में भेज दिया जाता है और फिर वर्कर सही साबुन को दूसरी मशीन में जाने देते हैं, खराब साबुन को निकालकर साइड कर देते हैं ताकि कोई इम्परफेक्ट चीज आगे ना जा पाए। उसके बाद बड़े बड़े रोल में पहले से ब्रांड का नाम प्रिंट किए हुए रैपर तैयार किया होता है और मशीन जैसे जैसे ही साबुन को आगे भेजती है, वैसे वैसे मशीन द्वारा रोल किए गए रैपर से साबुन को पूरी तरह से रैप करके तैयार किया जाता है। एग ब्रेकिंग मशीन। अगर हमसे कोई इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों की लिस्ट बनाने को कहेगा ना, तो इस लिस्ट में अंडे तोड़ना भी शामिल होगा, क्योंकि कई बार अंडा तोड़ते वक्त हम चूक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कच्चे अंडे कब धोखा दे जाएं पता ही नहीं चलता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी ये मशीन 1% भी नाकाम नहीं होगी। इस मशीन को खास अंडा तोड़ने के लिए ही बनाया गया है, जिसका काम इतना शानदार है कि आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये मशीन भारी मात्रा में अंडों को इकट्ठा करके कंटेनर में डालती है और उसके बाद दूसरी मशीन एक एक अंडे को रोबोटिक मशीन द्वारा पकड़ती है, और जब मशीन अंडों को सही से पकड़ लेती है तो वो उन्हें ऐसे तोड़ती है कि अंडों की जर्दी यानी एग योक एक अलग कंटेनर में जाए और उसका व्हाइट पार्ट नीचे वाले कंटेनर में चला जाए और अंडे का छिलका उठाकर मशीन दूसरी जगह फेंक देती है। दोस्तों, ये सारा काम बड़ी सफाई से होता है ताकि छिलके का एक भी पार्ट अंडे के टूटते समय उसमें ना जा पाए। यहाँ तक कि अंडे की जर्दी और उसका व्हाइट पार्ट भी अलग अलग कंटेनर में डालने की व्यवस्था ये मशीन खुद ही कर लेती है। केक डेकोरेटिंग मशीन। दोस्तों, केक खाना भला किसे अच्छा नहीं लगता? बर्थडे हो या शादी का मौका, हर मौके पर केक काटकर खुशियां मनाई जाती हैं, तभी तो उसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। हालांकि केक जितना खूबसूरत दिखता है ना, उन्हें बनाने में उतनी ही काबिलियत की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, अब बिना ज्यादा मेहनत किए शानदार केक बनकर तैयार हो सकता है। और अब जब बात इसके डेकोरेशन की आती है, तब तो इस खास मशीन की मदद से काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, इस मशीन के अंदर पहले से ही केक की क्रीम फिल रहती है और जैसे ही केक को इस मशीन के नीचे रखा जाता है, ये उसे बहुत ही शानदार तरीके से व्हिप्ड क्रीम से कवर कर देती है। जहां केक को डेकोरेट करने से एक वर्कर को काफी सारा एक्सपीरियंस और टेक्निक की जरूरत होती है, तो वहीं ये मशीन बिना किसी झंझट के 1 मिनट से भी कम में केक को डेकोरेट करके आपके सामने रख देगी। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल भारी मात्रा में केक बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इसे जल्दी से जल्दी केक को डेकोरेट करके उसे क्रीम की लेयर से फिल कर दिया जाए और फिर केक बाजारों में भेजने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग।
दोस्तों सिगरेट स्वास्थ्य के लिए जितनी ज्यादा हानिकारक है, इसे बनाने का प्रोसेस भी उतना इंटरेस्टिंग है, जिसमें सबसे पहले सूखे तंबाकू की पत्तियों को लिया जाता है, जिन्हें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहीं एक मशीन में अलग तरह का पेपर सिगरेट को रोल करने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों जब पेपर तैयार हो जाता है तो उस पेपर को मशीन द्वारा सिगरेट के साइज में रोल किया जाता है और फिर रोल किए हुए पेपर के अंदर तंबाकू की फिलिंग की जाती है। दोस्तों जब पेपर के अंदर तंबाकू की फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके पीछे वाला येलो पार्ट यानी फिल्टर को तैयार किया जाता है, जिसके अंदर तंबाकू नहीं फिल होता है। और फिर जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इन सिगरेट के रोल को इकट्ठा करके डिब्बे में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये हम तक आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट वन इज अमूल कैंडी। अब आप जिस चीज को बनता देखेंगे उसे देखकर वाकई में आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आइसक्रीम खाना भला किसे पसंद नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम जितनी शानदार और लजीज खाने में होती है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्हें बनता देखना है, जहाँ सबसे पहले वनीला आइसक्रीम को बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्रीज करके रख दिया जाता है और फिर मशीन द्वारा उसे आइसक्रीम कैंडी का शेप दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस कैंडी के अंदर स्टिक दी जाती है और फिर आगे के प्रोसेस के लिए -35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भेज दिया जाता है, जिसके बाद एक दूसरी मशीन एक एक आइसक्रीम स्टिक को लेकर पहले से ही तैयार चॉकलेट सिरप में डालकर अमूल चोकोबार को तैयार कर देती है। फिर दोस्तों उस आइसक्रीम को और ज्यादा ठंडे तापमान में ले जाकर पूरी तरह से जमा दिया जाता है। जब आइसक्रीम अच्छी तरह से जम जाती है तो उसे फ्रेश रैप से बढ़िया तरीके से पैक कर देते हैं, ताकि कहीं से खराब ना हो, और पैक करने के बाद इन स्वादिष्ट आइसक्रीम को मार्केट में हमारे लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर। अब दोस्तों बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एप्पल यानी सेब का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे जरूरी काम उसके बिल्कुल स्टीक और एक जैसे टुकड़े करना होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर कैसे सेब को बिना किसी वर्कर की मदद से चुटकियों में काट कर रख देता है। ये मशीन सबसे पहले तो साफ सुथरे और धुले सेबों को स्टोरेज टैंक से अपने आप उठाकर पीलिंग मशीन में डाल देती है, जिसके बाद पीलिंग मशीन ऑटोमेटिकली सेब के स्लाइस कर देती है और फिर सारे स्लाइसेस नीचे रखे कंटेनर में जाते रहते हैं। दोस्तों इस कंटेनर में एप्पल के स्लाइसेस जाने के साथ साथ पानी भी जाता रहता है, ताकि सेब को दोबारा से धोया जा सके। और जब दोस्तों सभी फ्रेश स्लाइसेस तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बाकी के फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, इस एप्पल स्लाइसर की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, वो भी बिना किसी वर्कर की मदद के। वरना तो इस काम को करने के लिए आधा दिन तो बीत ही जाता है। शटल कॉक मेकिंग। अब अगर हम शटल कॉक की बात करें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हंस के पंखों को इकट्ठा करना होता है और फिर उसे इंसानों द्वारा कॉक में लगने वाले पंखों का शेप दिया जाता है, जिसके बाद उन पंखों को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों एक तरफ जहां पंख मशीन के अंदर इकट्ठा होते हैं, तो वहीं दूसरी मशीन इनके नीचे लगने वाले सॉफ्ट बेस को बनाती है और उसे ठीक करने की शेप भी देती है। फिर उस सॉफ्ट बेस के ऊपर मशीन के द्वारा 16 पंख टोटल लगाए जाते हैं, जिसके बाद ग्लू की मदद से इसके अंदर इन्हें चिपका दिया जाता है। दोस्तों जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो धागे की मदद से उन 16 पंखों को रोल किया जाता है। दोस्तों रोल करने के बाद शटल कॉक पर एक्स्ट्रा निकलने वाले धागों को काट पीट कर उन्हें अलग किया जाता है और फिर उनकी सही मेजरमेंट ली जाती है, जिसके बाद उनकी क्वालिटी चेक होती है। फिर जाकर शटल को एक बंडल में डालकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना। साथ ही ऐसी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।